हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों की डिमांड पे मैं अपना माइके का व्लॉग लेकर आ गई, मतलब आने वाली हूँ। आज पूरा व्लॉग शूट करूँगी। सो आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे घर पे, बिकॉज कल मैं अपने घर चल जाऊँगी जम्मू वापस। तो आज मुझे लेने के लिए आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी जी एंड दिशा। और अभी मैं अपने भाई के घर पे हूँ, क्योंकि रात को मैंने भाई के घर स्टे किया था, बिकॉज दिस किड्स वॉन्ट्स मी टू स्टे विद देम। सो मैं इनके साथ रुकी थी, तो अभी हम नीचे अपने घर चलेंगे, नीचे वाले। तो फिर आगे का जो जो भी होगा, तो ये मेरे को लेने आई है कि दीप कौन आ रहा शीनू, तो मैं क्या करूँ तो दीपक अंकल आ रहे हैं भुजी, तो चलो नीचे। इसने तो कहा है कि दीपक अंकल आ गए हैं। दीपक अंकल आ गए हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो चलते हैं फिर हम नीचे, बाकी का व्लॉग नीचे शूट करते हैं। ओके बाय। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, और मेरे घर का ये सेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ बैठना, और मैं यहाँ से बैठ जाती हूँ हमेशा दो चेयर लेके। और मेरे पापा मेरे को हमेशा डांटते हैं कि कैसे बैठती है। तो ये मेरी भाभी है बर्तन उठा उठा के घूमती है इधर उधर। से हाय। हाय। सो शी इज़ माई भाभी एंड हर नेम इज़ रोहिणी, और ये इनकी बेटी है। हाय शीनू। हाय। ये डोंट माइंड दिस बर्तन, एक्चुअली हम साफ करके यहाँ इनको सूखने के लिए रखते हैं, फिर इनको उठा देते हैं जब ये सूख जाते हैं। तो मम्मी मेरे अंदर कुछ काम कर रही है किचन में, और मैं बाहर बैठी हूँ। सो आज एक्चुअली मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला है, और बहुत ज़्यादा धुंध सी पड़ गई है, वादियाँ नहीं दिखेंगी आज। बट मैंने कुछ क्लिप्स कर ली थी शूट, वो मैं ऐड कर दूँगी ताकि आप देख सको अच्छे से। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद माई मॉम, शी इज़ माई मम्मी जी। मम्मी क्या कर रहे हो आप? सब्जी बना रही हूँ। तो मम्मी मेरी साग काट रहे हैं। साग ही किस चीज़ का साग होता है? खाने के लिए होता है ना? नहीं, किस चीज़ का होता है यार? गनार का। गनार का साग होता है। तो मेरी मम्मी अच्छे से सफाई कर रही है इसकी बनाने के लिए। ये मेरे पापा हैं, जो कि कैमरा शाय पर्सन है, बहुत ज्यादा कैमरा के सामने नहीं आते पर हम फिर क्या हुआ पापा की लाडली की बातें सुन सकते हो आप? हमारे घर में बदतमीज नंबर वन लड़की ये दादू की फेवरेट है, और ये किसी को दादू का नाम नहीं लेना। मैं तेरे दादू को अपने घर ले जाऊंगी, चाकू ठोकेगी। तो आज आपके घर बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, फिर आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है हमारे घर गेस्ट आते हैं, वो बहुत हमारे घर रोज गेस्ट ही रहते हैं। वो बात तो सच है, हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है। कोई ना कोई नहीं, बहुत सारे बंदे आते हैं। बहुत सारे बंदे आते हैं, लेकिन आज हमारे घर स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। किसके लिए? कि मेरी सासू माँ मर गई है, तो उसका बसोस करने के लिए। आज थोड़ी बसोस करने आ रहे हैं, आज तो मुझे लेने आ रहे हैं ना। ओ, लेने तो कल लेके जाएंगे ना। तो मैं चली जाऊंगी, आप मेरे को मिस करोगे? क्यों नहीं करूंगी बालों की शुक्र गई है। अच्छा मिस करूंगी ये कौन सा मिस होता है कि शुक्र गई है? ठीक है, मिस हो गया तो मिस ही करते हैं ना। चलो, बाकी आई टोल्ड यू कि बाहर का एरिया आज मतलब धुंधला सा है, कोई पहाड़ साफ नहीं दिख रहे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है, मे बी सुबह या फिर आज गर्मी बहुत ज़्यादा है या बारिश होगी इसलिए। तो आप बाकी क्लिप्स हैं मेरे पास, वो मैं डाल दूँगी, बट अभी यही देखो, ये सारी ज़मीन हमारी है, इतनी इतनी इतनी, और वहाँ नीचे तक
नीचे दिख नहीं रहे पेड़ पेड़ हैं, काफ़ी नीचे तक है। और ये वाला एरिया भी हमारा ही है, और ये मेरा घर है। कपड़े कपड़े डोंट माइंड इट, तो ये धुल के रखे हैं कपड़े। और नीचे भी हमारा घर है, नीचे एक्चुअली नीचे वाला जो मकान है ना, वो दो हमारे कमरे हैं बड़े बड़े से, एक बरांडा टाइप है। तो वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ हमारे जानवर रहते हैं, तो हम लोग ऊपर ही रहते हैं। या पावर बैंक साथ है, बिकॉज मेरा फ़ोन डेड होने वाला है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत दर्द है। और मैं आप लोग को क्या बताऊँ अब हमारे यहाँ का। फ़िलहाल ये जो पीछे पेड़ देख रहे हो ना, ये मैं छोटी थी तो ये भी बहुत छोटा सा होता था। मैं ना इसको पकड़ के इसके आगे पीछे गोल गोल झूलती होती थी, तो मेरी मम्मी ये पूरा झूलता था, और मेरी मम्मी बोलती थी कि पेड़ टूट जाएगा, लेकिन ये पेड़ अब इतना बड़ा हो गया। इट्स अ नॉनसेंस थिंग आई एम टेलिंग यू, बट इट्स ओके। और क्या बताऊँ अब मैं, तो अब क्या करेंगे, अब मैं पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, ब्रश वगैरह करके, और उसके बाद मैं घर का अंदर का थोड़ा बहुत देख लूँगी कि कुछ अगर चेंजिंग्स करनी है तो मैं वो करूँगी। और उसके बाद मैंने न्यू ड्रेस बनवाया है। अब मैं जिन भैया के घर अभी रहने गई थी, उन भाभी ने मेरा एक न्यू ड्रेस बनाया है, तो मैं अपना वो न्यू ड्रेस पहनूँगी आज, और रेडी सी हो जाऊँगी थोड़ी सी, बिकॉज मेरे फेस बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ रहा है, तो पिंपल वगैरह भी आ रहे हैं, तो बहुत कम कम थोड़ा थोड़ा सा। और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय, टेक केयर। सो गाइज, आई एम रेडी, और ये मेरा ड्रेस है। तो ये ड्रेस मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था, वो चाहती है मैं कुछ ऐसे वाइब्रेंट से कलर पहनूँ, शी लाइक दिस कलर्स। सो मैंने यही ड्रेस अपनी भाभी से सिलवाया है, माई भाभी इज़ अ टेलर, सो उन्होंने ये मेरा ड्रेस सिला है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो रील्स मैं बनाऊँगी इस ड्रेस में, वो आप देख लेना इंस्टाग्राम पे। सो अभी तक मम्मी और नहीं पहुँची, उनको टाइम लगेगा पहुँचने में, तो बाकी के वीडियो जब वो आते हैं तब बनाऊँगी। मम्मी मेरे ड्रेस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर लगा। हाँ, बाजू बहुत अच्छी लगती है, सलवार कमीज अच्छी लगती है, चुन्नी अच्छी लगती है, आहो पैंट फिर वो मंज बन जाती है ना। मेरी मम्मी को वेस्टर्न वेयर से सख्त नफरत है, बिल्कुल पसंद नहीं करती मेरी मम्मी। मेरे गोलू मोलू आ गए, मेरे गोलू मोलू। ओए नहीं, बाहर निकाला, बाहर निकाला, उड़ थोड़ी जाएगी। नहीं 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 निकालना अभी, बहन दे बीच मैंने उंगली रखी खाने के लिए। लादू लादू, ओए कृष्णा किधर आया, किधर आया मेरा बेटा, मेरा बेटा किधर आया? नहीं बोल रही ना, नहीं का मतलब तो नहीं। ओए ओ मोगली, हाँ क्या हुआ, किधर किधर आई है, किधर आई है तू, मेरे पास आई है? हाँ क्या बोल रही है, बाहर आना है, बाहर आएगी मेरे पास आना है, मम्मा को मिस कर रही थी। हाँ आले आले किचू किचू बेटा भी बोला मेरा। हाँ बैठो थोड़ी देर अंदर। तो हमारे गेस्ट आ गए हैं। चलो चलो बैठो, आ जाओ।
तो फाइनली दिशा हमारे पास पहुंच की है, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट क्लास। मम्मी के घर आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरी मम्मी भी आ गए। बताओ क्या कहना चाहोगे आप? मेरे को कितना मिस किया वो बताओ। बहुत ज़्यादा मिस किया, इतना मिस किया कि मेरे को लेने आ गए हैं। बहुत ज़्यादा मिस किया, मेरा गाड़ी सुनना लग रहा है। हाय हाय। सो अब आपको कैसा लग रहा है सासा? मेरे को क्यों नहीं अच्छा, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे घर आयो। और चल लग रही है। हाँ गर्मी है ना थोड़ी। और यहाँ पे मेरे टुकु जी भी आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे लेने आयो, मैं नहीं जाऊँगी। राधे कृष्णा भी आए हैं लेने के लिए मेरे को। ये मेरी सिस्टर बाय ब्लड बाय सोल बाय एवरीथिंग शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। हम लोग झगड़ते बोलते वैसे। और यहाँ पे जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो इसमें एक्चुअली इनको काफ़ी टाइम से कमर में दर्द थी, आई थिंक कुछ चुक वगैरह कहते हैं, वो हो गया था। तो मेरे पापा ना उनको वहाँ पे कुछ नेचुरल जड़ी कहते हैं वो लगा रहे हैं, तो उसको हाथ के साथ नहीं लगा सकते, पाँव के साथ ही लगाते हैं। सो दैट्स वाई वो अपने पाँव के साथ उनको वहाँ पर वो जड़ी टच कर रहे हैं। बता तो रही थी वहां, बोलती हाँ गाय फंसी मरी, बोलती बाद में वहाँ बोल रहे हैं वो फंसी की फिर बनाया। ये हम गए थे मंदिर पिछली बार, पहली बार आए थे ना घर शादी हुआ तब गए थे। आ जा मेरे पास, नहीं आ जा घर चले, चलो फिर बाय बाय बाय, मिलते हैं सुबह। तू भी कर किसी ये नहीं खाते? नहीं खाते। बस कर राधू को बाली पसंद आई है मम्मी की। फेडी कर फेडी, किसके पास बैठे हो? हाँ राधू तू कितने नहीं से फेडी कर दो, उसकी गोलियां निकाल के मंगो। ओए कृष्णा कितना प्यारा, मीठा भाई चले कितना। गुड मॉर्निंग कृष्णा, कृष्णा अरे पीती जी कुछ सारी ये टिक्की बना रहे ना। करना क्या चाहता तू? हाँ कृष्णा क्या करना चाहता, क्या करना चाहते तू कुत्तू? पापा से बात करेगा, पापा से बात करेगा, पापा से ओ कृष्णा पापा से बात करेगा, पापा से बात करेगा। कृष्णा फोन सा नहीं चुगली लान लगाओ ना, नाखून चुभा।
हूँ गल करसी उसी ले पतन चलिया बोलो सही भी जैसे करते टेढ़ा क्यों हो गया सीधा हो जा लाटी कर उसके साथ इसके बाद चीकू पे रखना कुछ नहीं कर किया उसने उसको निगम को किया जोली में रख ले जोली में कुछ नहीं करती क्या क्या करके सो गाइज आई एम ऑलरेडी टू गो टू माई होम एंड चीनू भी जा रही है जाएगी पर इसको लेकर नहीं जाएंगे और ये गुंजन है और ये लक्षु है तो लड़का लड़की है बताओ ना ये है तो लड़का है पर ये बातें लड़कियों वाली करता ये गंदी है ये बहुत गंदी बच्ची है बात ही नहीं करती है चुप चुप रहती है तो अभी हम बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर तक आज का मौसम तो अच्छा था पर आज हम जा रहे हैं कृष्णा ओए किचू बेटा इसके तरह उठ गया क्यों ओपन जगह देखी नहीं ध्यान लगा रही है जी बताना अब हैं लड़की बड़ी ओदे मुंडी पुट्ठी कर देखने को पूरी खाई है आपने उनको पूरी क्या करना है चने पूरी खाई है आप की बनाई है इसने हां आएंगे चने पूरी मुंह साफ करने हैं आज को चलो मिलने लगे बनाना ठीक है बनी हुई है यही जा रही हूं करना क्या
आई जा रहा है, आई ना मैंने बोला था नहीं जा रहा इसको इधर को मैं हूँ कैमरा मैन। अब तू क्या चुमोट रहा था साथ में पागला, नीचे गिरेगा उतर नहीं गिरता, ये देख रहा हूँ वीडियो। ठीक है तो दिखाओ ना। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अब, और सब हमें आगे तक छोड़ने आ रहे हैं। ऊपर मेरे भैया का घर था। मम्मी जा रही हूँ फिर मैं। मम्मी देखो नंबर लिखा है, क्या है? मैंने बोला मैं जा रही हूँ फिर मुझे मिस करना। मिस करना, मिस करूंगी ना। जा रही है तो उन्होंने मंदा दिल करा। अच्छा फिर बाग के आ जाना इसी तरह। एक मम्मी को छोड़ के दूसरी मम्मी के साथ में घर जा रही हूँ। और यार एक क्यूट सी बकरी भी बांधी हुई है। बकरी बोलते हैं इसको, बकरी। मोर बनाया कितने प्यारे, हाथी बनाया ये हसी वादियाँ। जा अभी हम आए हैं बाबा लाल जी के मंदिर जो कि सियोट में है। बंद है, बंद है। तो यहाँ लॉक लगा हुआ है। मंदिर तो बंद था पर अब हम वापस जा रहे हैं, और मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो गया कि क्या बताएं। तो गाइस अब हम घर पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। और अभी हम रास्ते में रुके थे, मेरी मम्मी मुझे लेने आए थे। हम पहुंच गए दीशा के घर, दीशा को छोड़ने के लिए। दीशा दिख नहीं रही मेरे पेरेंट्स के बीच में, और सक्षम को सरप्राइज देंगे। लेट्स गो कैसा मेरा सक्षम, कितना इसके मेरे साथ ही मिलेगा। शक्कू बेटे ने मिस किया सबको। यस मामू गोली लाए। मामू ही नहीं आए तो गोली कहाँ से लाएंगे। मामू नहीं। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, और अभी मैंने ज्वेलरी रिमूव करी है, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो इसलिए मैं सीधा बिछने वाली हूँ अभी। सो आई होप कि आपको मेरा ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप मेरे इस व्लॉग को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, एंड लाइक भी करना, कमेंट भी करके बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग। Thank you and I love you all.